वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर। टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है फ्रीक्वेंसी मीटर। आज हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी मीटर के बारे में। फ्रीक्वेंसी मीटर अर्थात आवृत्ति मापी, इसे हिंदी में कहते हैं आवृत्ति मापी। और आवृत्ति मापी से हम आवृत्ति का मापन करते हैं। तो आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी का मापन करते हैं। दोस्तों, फ्रीक्वेंसी बेसिकली जो इंडिया की फ्रीक्वेंसी है, इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी, वो है 50 हर्ट्ज, अर्थात 50 साइकिल पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 50 चक्कर लगाती है। दोस्तों, तो इंडिया की फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल पर सेकेंड या 50 हर्ट्ज मान के चलेंगे। इसका कैलकुलेशन यदि आप करते हैं तो 0.02 सेकेंड आपको शो करेगा। दोस्तों, इन चीजों को आपको याद रखना है। हम जब प्रैक्टिकल करते हैं तो फ्रीक्वेंसी मीटर अलग अलग टाइप के यूज करते हैं। उनमें से फ्रीक्वेंसी मीटर क्या है दोस्तों, तो एक सेकेंड में जितने चक्कर कंप्लीट होंगे, एक सेकेंड में जितने चक्कर कंप्लीट होंगे विद्युत सिग्नल के द्वारा, या आप कह सकते हैं ये जो एसी साइनसोइडल वेव शेप है, एसी की साइनसोइडल वेव फॉर्म, ये पॉजिटिव साइकिल हो गई और ये निगेटिव साइकिल। तो ये साइकिल पॉजिटिव निगेटिव हो गई दोस्तों, और ये ऊपर वाली हो जाएगी पॉजिटिव साइकिल। तो एक सेकेंड में जितने चक्र पूरे होंगे, तो एक चक्र पूरे किसको कहेंगे दोस्तों, जब एक साइकिल पॉजिटिव और निगेटिव की पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो जाए तो इसे कहेंगे एक चक्र। तो एक चक्र जितने सेकेंड में कंप्लीट होगा वो उसकी आवृत्ति होगी। तो एक सेकेंड में जितने चक्र आप लगाएंगे वो उसकी आवृत्ति कहलाएगी। तो इसकी जो आवृत्ति है, इसे हम 360 के डिग्री के फॉर्म में देखे जाता है। अर्थात इसका मैं सेक्शन कर दू तो यहां पर आपको मिलेगा, ये हो गया हाफ सेक्शन और ये इसके नीचे हो जाएगा हाफ सेक्शन। तो एक चक्र पूरा हो जाएगा, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल। ये तो हो गया एसी के लिए। याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी सिर्फ आवृत्ति सिर्फ एसी में होती है, डीसी में डायरेक्ट करंट में आवृत्ति नहीं होती, अल्टरनेटिंग करंट में ही आवृत्ति होती है। फ्रीक्वेंसी डीसी फ्रीक्वेंसी लेस है, मतलब उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसीलिए डीसी में पावर फैक्टर भी नहीं होता, फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो इन चीजों को आपको पॉइंट नोट करना है दोस्तों। डीसी फ्रीक्वेंसी लेस है, एसी में फ्रीक्वेंसी होती है। इसी आवृत्ति के बारे में हम देखेंगे। इंडिया की जो आवृत्ति है, भारत की फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी, यह है 50 हर्ट्ज, अर्थात कि दूसरे शब्दों में बोले तो 50 साइकिल पर सेकेंड। तो 50 साइकिल पर सेकेंड यहाँ पर इंडिया की फ्रीक्वेंसी है दोस्तों। तो इसे कैसा लिखते हैं, 50, इस टाइप से लिखेंगे दोस्तों, 50 साइकिल पर सेकेंड। तो 50 साइकिल पर सेकेंड मतलब कि ये 50 साइकिल पर सेकेंड, इस टाइप से शॉर्टकट में लिखा जाता है। कुछ देश की जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे यूएसए जाएंगे आप, फ्रांस जाएंगे, तो वहां की फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी 60 हर्ट्ज, या इसे ही हम कहेंगे 60 साइकिल पर सेकेंड, अर्थात कि 60 साइकिल पर सेकेंड या 60 हर्ट्ज। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, यदि हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रिकल में इन चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि हम इलेक्ट्रिकल में फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे दोस्तों, तो इक्विपमेंट जो लगाएंगे हम, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, स्विच गियर हो गया, ठीक है, इन इक्विपमेंट को जब यूज करेंगे तो इनके साइज छोटे हो जाएंगे। याद रखिएगा, यदि हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो जो इंस्ट्रूमेंट है उसका साइज छोटा हो जाएगा। अर्थात इस चीज को समझ सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर इंस्ट्रूमेंट का या इक्विपमेंट का साइज छोटा हो जाता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम स्टार्ट करेंगे इसमें फ्रीक्वेंसी मीटर। तो फ्रीक्वेंसी को मेजरमेंट करने वाला, मापन करने वाला इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी मीटर कहलाता है। यदि फ्रीक्वेंसी मीटर हम देखें इसके टाइप्स के बारे में, तो जो फ्रीक्वेंसी का मापन करता है, अर्थात आवृत्ति मापी जिसे कहें, तो फ्रीक्वेंसी का, आवृत्ति का मापन करने वाला इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी मीटर या आवृत्ति मापी कहलाता है। इसके यदि बेसिक टाइप्स हम देखें
तो बेसिक इसके टाइप मुख्यतः 6-7 प्रकार के हैं दोस्तों। तो इसमें फ्रीक्वेंसी मीटर मुख्यतः 6 प्रकार के हैं। कितने टाइप के हैं दोस्तों? 6 टाइप के हैं। तो देर आर मैनी 6 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मीटर। 6 प्रकार के फ्रीक्वेंसी मीटर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल सिस्टम में यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल में यूज करने 6 टाइप के फ्रीक्वेंसी मीटर यूज किए जाते हैं। इनमें से फर्स्ट है मैकेनिकल रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी मीटर, या इसे कहते हैं रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर। तो मैकेनिकल रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी मीटर आपको बहुत बार एग्जाम में देखने मिला होगा, या जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल के टाइम में आपको देखने मिलेगा। इस टाइप से इसका कंस्ट्रक्शन होता है दोस्तों कि एक इसके ये एक फ्रीक्वेंसी मीटर है और यहाँ पर पट्टियां ऐसी लाइन से लगी होगी दोस्तों, ऐसी स्ट्रिप होगी, और इस स्ट्रिप में जब इसको सप्लाई से जोड़ते हैं एसी सप्लाई से इस फ्रीक्वेंसी मीटर को, तो इस फ्रीक्वेंसी मीटर को जब हम सप्लाई से जोड़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो स्ट्रिप होती है, यदि यहाँ पर 50 हर्ट्ज लिखा हुआ है तो ये फ्रीक्वेंसी मीटर यहाँ पर इसकी जो पट्टी है इसी के नीचे वाली ये वाइब्रेशन करने लगती है। जब ये वाइब्रेशन करने लगती है तो हमें पता चल जाता है कि इस सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। तो यहाँ पर इसीलिए उसको रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर भी कहा गया है। तो इसमें फर्स्ट टाइप है मैकेनिकल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मीटर या रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर, सेकेंड है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मीटर, और थर्ड है रेशियो टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर, फोर्थ में है वेस्टर्न फ्रीक्वेंसी मीटर, फाइव में है सेचुरेबल कोर फ्रीक्वेंसी मीटर, सेचुरेबल कोर फ्रीक्वेंसी मीटर, और लास्ट है इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर। अर्थात इतने टाइप के 6 प्रकार के हम फ्रीक्वेंसी मीटर का यूज करते हैं दोस्तों। तो ये 6 प्रकार के जो फ्रीक्वेंसी मीटर है यही इलेक्ट्रिकल सिस्टम में यूज किए जाते हैं फ्रीक्वेंसी के मापन के लिए, आवृत्ति के मापन के लिए। तो फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए इस टाइप के फ्रीक्वेंसी मीटर का हम यूज करते हैं। इनके टाइप 6 प्रकार के हैं दोस्तों, और बेसिकली सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो मैकेनिकल रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी मीटर का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अर्थात कि फर्स्ट जो है फ्रीक्वेंसी मैकेनिकल रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी मीटर, इस फ्रीक्वेंसी मीटर का हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में सबसे ज्यादा यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी के मापन के लिए। तो इसमें एक स्ट्रिप होती है दोस्तों। चलिए हम देखेंगे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी मीटर मैकेनिकल रिजोनेंस टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर। चलिए दोस्तों, मैकेनिकल रिजोनेंस आर रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर। ये फ्रीक्वेंसी मीटर जिस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन आपको देखने में मिल रहा है, मैकेनिकल रिजोनेंस आर रीड, रीड यानी होती दोस्तों धातु की पट्टी, रीड यानी होती है धातु की पट्टी। तो इसके अंदर हमें कहीं ना कहीं धातु की पट्टी मिलेगी और उस धातु की पट्टी में वाइब्रेशन होगा। स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा दोस्तों। तो यहां पर धातु की पट्टी बनी हुई फ्रीक्वेंसी मीटर आपको देखने मिलेगी। तो यहां पर आपको दोस्तों इस टाइप का कंस्ट्रक्शन होगा, और इसके स्टार्टिंग सोर्स और एंडिंग छोर, यहां से वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे आप, मतलब सर्किट से जोड़ेंगे। तो यहां पर ये जो है धातु की पट्टी मिलेगी, ये एक प्रकार की धातु की पट्टी है। ये जो स्ट्रिप दिख रही दोस्तों ये धातु की पट्टी है, इसे रिड कहते हैं, रिड या फिर धातु की पट्टी, रिड को ही हम धातु की पट्टी कहते हैं, धातु की पट्टी। तो ये जो धातु की बनी हुई पट्टी है दोस्तों इसी को यहाँ पर यूज किया जाता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में कार्य करती है। अर्थात कि इसके ऊपर क्वाइल लपेटी होगी, और क्वाइल लपेटी होने के कारण ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। अर्थात जब इसे हम एसी सप्लाई से जोड़ेंगे, इसे हम जब एसी सप्लाई से जोड़ेंगे दोस्तों, तो एसी सप्लाई देने पर, यहाँ पर सप्लाई से कनेक्ट करने पर, यह धातु की पट्टी इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में प्राप्त होगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेट जब बन जाएगी दोस्तों, तो जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उसका वाइब्रेशन उतना अधिक होगा। तो जितनी फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब जिस पट्टी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका वाइब्रेशन अधिक होगा दोस्तों।
जिस पट्टी की फ्रीक्वेंसी अधिक होगी अर्थात कि वाइब्रेशन अधिक होगा तो वो वाइब्रेट करते हुए आपको देखने मिलेगा, तो उतनी फ्रीक्वेंसी वहां पर वो जनरेट करके दिखाएगा दोस्तों। तो इसमें इसकी विड्थ यदि देखें हम, तो बेसिक कंस्ट्रक्शन देखने पर हमें ये पता चलता है कि इसकी विड्थ चौड़ाई जो है ये 4 mm होती है। इस जो पट्टी है स्टील की बनी हुई स्ट्रिप या धातु की पट्टी, इस पट्टी की चौड़ाई 4 mm मिलेगी। इसकी जो चौड़ाई है 4 mm है, इसकी थिकनेस 0.5 mm है। जब ये इसका कंस्ट्रक्शन आप खोल के देखेंगे तो आपके पास जब आप प्रैक्टिकल करने जाते हैं वर्कशॉप में, तो वर्कशॉप में दोस्तों क्या करेंगे आप, ये पुराने टाइप के जितने फ्रिक्वेंसी मीटर है और ये जो रिड टाइप का फ्रिक्वेंसी मीटर है, इन फ्रिक्वेंसी मीटर को आप खोल कर देखना, उसका कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कैसी स्ट्रिप लगी होती है, पट्टियां कैसी होती है, लाइन से एक के बाद एक पट्टियां होगी और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है क्योंकि उसके ऊपर क्वाइल लपेटी होती है दोस्तों। तो इसकी थिकनेस कभी कभी पूछ लेता है, चौड़ाई 4 mm और मोटाई होगी इसकी 0.5 mm। यहाँ पर होल होंगे, इसको स्ट्रिप करके प्रेस करके बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन आपको कैसा मिलेगा, इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन आपको दोस्तों यहाँ पर इस टाइप से मिलेगा कि यहाँ पर 40, जैसे कि ये स्ट्रिप 2 और 2 4 और बीच में एक 5 स्ट्रिप है, अर्थात 5 स्ट्रिप को हमने लाइन से कनेक्ट कर दिया है। तो ये एक स्ट्रिप है, ये दूसरी स्ट्रिप, पहला ये दूसरा, ये तीसरी स्ट्रिप, ये चौथी स्ट्रिप और ये पांचवी स्ट्रिप दोस्तों। मतलब कि ये स्टील की बनी हुई जो चौड़ाई पट्टी है, ये धातु की पट्टी को हमने इस टाइप से सीधे सीधे सीरीज में रख दिया है। तो जब आप एसी सप्लाई देते हैं इसे, एसी सप्लाई से जोड़ने पर इसमें ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है, मतलब इसके ऊपर क्वाइल लपेटी होगी और ये क्वाइल इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी दोस्तों, तो इसके ऊपर में यहाँ पर कितने हर्ट्ज यहाँ पर जनरेट करके दे रही है या दिखा रही है, ये यहाँ पर मार्किंग के रूप में, स्केल के रूप में होगा। जैसे ये थर्ड नंबर वाला जो गोला है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है 50 हर्ट्ज। तो ये एक आयत है, इसके ऊपर 50 हर्ट्ज लिखा हुआ है। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो 49.5 हर्ट्स लिखा है और ऊपर उस फर्स्ट वाले में लिखा है 49 हर्ट्स, सेकेंड में लिखा है 49.5 हर्ट्स, थर्ड में लिखा है 50 हर्ट्स, फोर्थ में लिखा है 50.5 हर्ट्स एंड लास्ट फिफ्थ में लिखा है 51 हर्ट्स। अब दोस्तों जैसे ही से आप किसी सर्किट से कनेक्ट करेंगे और हमें फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करना हो, फ्रीक्वेंसी का मापन करना हो, तब के सिचुएशन में दोस्तों जैसे ही सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो ये जो स्ट्रिप है पट्टी, जितनी फ्रीक्वेंसी होगी वहां की पट्टी वाइब्रेशन करने लगती है, अर्थात ऊपर नीचे दोलन करने लगती है और ये बल्क मात्रा में ऊपर नीचे दोलन करने लगती है दोस्तों। तो जब बल्क मात्रा में ऊपर नीचे दोलन करने लगती है तो ये आपको सामने देखने मिलेगा कि जो पट्टी अधिक वाइब्रेशन करेगी उतनी फ्रीक्वेंसी होगी, अर्थात ये बोलेंगे कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी। तो ये अभी नेचुरल फ्रीक्वेंसी में है मान के चलिए, जब इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी के को मेजरमेंट करना हो हमें, तो यहाँ पर ये 2 और ये 2, मतलब लेफ्ट साइड 2 और राइट साइड 2 के बीच में 50 हर्ट्ज की जो स्ट्रिप है ये ज्यादा दोलन करने लगेगी। तो इसका जिसका दोलन ज्यादा होगा वही शो करेगी कि कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इस इंस्ट्रूमेंट से जनरेट हो रही है या इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी कितनी है। एसी सप्लाई में जोड़ने पर इस सर्किट की कितनी फ्रीक्वेंसी है, ये इस टाइप का जो फ्रीक्वेंसी मीटर होता है, स्ट्रिप टाइप या रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर, ये शो करके दिखाता है दोस्तों। तो जिसमें ज्यादा दोलन होगा रीडिंग उसी का लेना है, जैसे कि ये कम दोलन कर रहा है, ये कम दोलन कर रहा है दोस्तों, ये पट्टी कम दोलन कर रही है, उससे थोड़ी ज्यादा दोलन ये कर रही है सेकेंड वाली, उससे ज्यादा दोलन कर रही है थर्ड वाली पट्टी, उससे कम दोलन कर रही है ये लास्ट वाली, सेकेंड लास्ट वाली पट्टी, और उससे कम दोलन कर रही है ये लास्ट वाली पट्टी दोस्तों। अर्थात जो सबसे ज्यादा दोलन कर रही है, जिसका आकार हमें ज्यादा देखने मिलेगा, साइज जिसका ज्यादा बड़ा मिलेगा, वही उसकी फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी होगी अर्थात 50 हर्ट्ज होगी। इस तरीके से हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर रीडिंग नोट करना है। ठीक है, इसका जो बेसिक मैंने आपको बता दिया, इसका जो यूज कहाँ कहाँ करते हैं ये देखेंगे। तो इसका यूज करते हैं दोस्तों फ्रीक्वेंसी मीटर में, ये फ्रीक्वेंसी मीटर में इसका यूज, स्ट्रिप का यूज करते हैं। तो रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर का यूज कहाँ किया जाता है, जहां पर फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करना हो। तो यह 47 हर्ट्ज से 53 हर्ट्ज तक होती है। याद रखिएगा जो स्ट्रिप टाइप की या रीड टाइप की फ्रीक्वेंसी मीटर है उसका स्केल आपको मिलेगा, वो स्केल 47 हर्ट्ज से 53 हर्ट्ज तक उसका स्केल मिलेगा। इसका स्केल जो मिलेगा आपको 47 हर्ट्ज से 53 हर्ट्ज तक मिलेगा, 47 हर्ट्ज से 53 हर्ट्ज तक मिलेगा दोस्तों। और ये रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर का इसमें यूज किया जाता है जहां पर इन दोनों के बीच में आपको फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करना हो। इसका वर्किंग प्रिंसिपल मैकेनिकल रिजोनेंस पर वर्क करता है। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, वर्क प्रिंसिपल, वो वर्किंग प्रिंसिपल किस पर होता है, तो मैकेनिकल रिजोनेंस पर आधारित होता है। मैकेनिकल रिजोनेंस पर आधारित होता है। जो इसको सप्लाई जो देते हैं हम, वो एसी सप्लाई दिया जाता है, इसे एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है रेड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर को। इसमें जो फ्रीक्वेंसी है करंट के स्क्वायर में होती है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। याद रखिएगा, जितनी फ्रीक्वेंसी यदि बढ़ाएंगे हम, तो इसमें आई स्क्वायर जो करेंट का मान है वो भी बढ़ेगा। इसमें 50 हर्ट्ज इज इंटू 2 हो जाता है, मतलब कि करंट के मान को यहाँ पर इंटू कर देते हैं। तो 50 हर्ट्ज इंटू 2 करेंगे तो ये 100 टाइम्स हो जाएगा, 100 टाइम्स हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से इसे हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? आगे देखेंगे हम इसमें। तो बेसिकली इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेरिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सप्लाई वेरिएबल वोल्टेज एंड शेप ऑफ वेव फॉर्म, यदि इसमें देखें तो जो स्ट्रिप है पट्टी, उस पट्टी में जितनी करंट फ्लो होगी, मतलब जितना इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में जो पट्टी जितनी ज्यादा वाइब्रेट करेगी उसका वेव शेप उतना ज्यादा होगा। याद रखिएगा, उसका वेव शेप उतना ज्यादा होगा। तो माइक को म्यूट कर दीजिए। याद रखिएगा, इसमें स्टील की जो स्ट्रिप होती है उसके रीड कहते हैं, को अलग अलग रेशो की स्ट्रिप वाले मटेरियल में मिलाकर बनाया जाता है। अर्थात कि सबका जो मटेरियल का रेशो होगा, अनुपात होगा, वो अलग अलग होगा, तभी ये स्ट्रिप दोस्तों, याद रखिएगा, तभी ये स्ट्रिप अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग तरीके से वाइब्रेशन करेगी। तो इसमें जो स्टील की जो स्ट्रिप बनाई जाती है, रीड या जो पट्टी बनाई जाती है, वो अलग अलग रेशियो में उसके मटेरियल को बनाया जाता है, मतलब अलग अलग मटेरियल में अनुपात में मिलाया जाएगा। उसमें जो मटेरियल मिलाएंगे वो अलग अलग अनुपात में होगा दोस्तों, एक ही अनुपात में नहीं रखेंगे। जब तक अलग अलग अनुपात में नहीं रखेंगे तब तक वाइब्रेशन नहीं होगा। तो इन चीजों को याद रखना है, एक ही अनुपात में मिलाकर बना देंगे तो वाइब्रेशन एक साथ होने लगेगी पूरी स्ट्रिप, इसीलिए इसे हम अलग अलग अनुपात में बनाते हैं दोस्तों। क्लियर है सभी को? जिसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर वह वाइब्रेट होती है दोस्तों। तो अलग अलग मटेरियल पर बनाने पर, अलग अलग रेशियो के मटेरियल में अनुपात में बनाते हैं, तब वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। यदि एक ही समान मटेरियल का बना दे तो सब एक साथ वाइब्रेशन करने लग जाएगी और कितनी फ्रीक्वेंसी उसका पता हम नहीं लगा पाएंगे इसमें। इसलिए बेसिक जो पॉइंट है उसे हम याद रखेंगे दोस्तों, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है ये। उसके बाद यदि हम देखें तो इसके मेन मेन टर्म जो पॉइंट होते हैं इसमें देखेंगे तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी, अर्थात इसमें जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है वो इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया दोस्तों कि रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर में जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, कि इसके इक्वल होने पर जिस फ्रीक्वेंसी पर रीड बराबर होगी वह अधिक कंपन करेगी। तो यहाँ पर कंपन जो वाइब्रेशन है
जिस फ्रीक्वेंसी जितनी फ्रीक्वेंसी पर जो रीड है, जो पट्टी है, उसकी बराबर होगी उतनी फ्रीक्वेंसी पर वो कंपन करना चालू कर देगी। इसीलिए अलग अलग अनुपात में, अलग उस मटेरियल के अनुपात में उसे बनाया जाता है। इसमें सभी रीड की अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर ये क्या करते हैं, अलग अलग वाइब्रेशन होता है। 45 डिग्री पर अलग, 47 हर्ट्स पर अलग, 48 हर्ट्स पर अलग, 49 हर्ट्स पर अलग, मतलब कि 47 हर्ट्स पर आपको जो पट्टी मिलेगी उसमें मटेरियल का जो रेशो होगा वो कम होगा, 48 हर्ट्स पर मटेरियल का रेशो थोड़ा ज़्यादा होगा, 49 हर्ट्स पर मटेरियल का रेशो हो सकता है और ज़्यादा हो, 50 हर्ट्स पर मटेरियल का रेशो और ज़्यादा होगा, 51 हर्ट्स पर मटेरियल का रेशो और ज़्यादा होगा। दोस्तों इस तरीके से जितनी ने जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगी और इलेक्ट्रिकल की फ्रिक्वेंसी जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो वहीं की जो पट्टी है वो कंपन करेगी। इस टाइप से ये वर्क करती है ये रीड टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर। इस तरीके से दोस्तों हम इसके बारे में हम जान सकते हैं। फिर इसके बाद सेकेंड में देखेंगे तो वेस्टर्न टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर है। और वेस्टर्न टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर के बारे में यदि हम देखें दोस्तों, तो ये फ्रिक्वेंसी मीटर ज़्यादा कुछ इसमें चेंजेस नहीं है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी मीटर भी हम यूज करते हैं। तो आइए देखेंगे दोस्तों, हम इसमें सेकंड है वेस्टर्न टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। तो वेस्टर्न टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर में देखेंगे इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन दोस्तों, तो इसमें मूविंग पार्ट मिलेगा, मूविंग सिस्टम मिलेगा, ये इसका स्केल है दोस्तों। सेकेंड में देखेंगे हम वेस्टर्न टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर, इससे भी वेस्टर्न टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर से भी फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट किया जाता है, इससे भी फ्रीक्वेंसी का मापन होता है दोस्तों। इसमें यदि हम देखें वेस्टर्न टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर में, तो ये स्केल है और ये जो स्केल दिख रहा है दोस्तों, इसमें एक पॉइंटर लगा हुआ है। तो जो विक्षेपक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है उस टाइप का आपको फ्रीक्वेंसी मीटर यहाँ पर देखने मिलेगा। और इसके पहले रीड टाइप जो फ्रीक्वेंसी मीटर हमने देखा उसमें ये सब नहीं मिलेगा दोस्तों, उसमें डायरेक्ट वाइब्रेशन मतलब जो स्ट्रिप होती है, पट्टी जो होती है वो कंपन करने लगती है। इसमें वैसा सिस्टम नहीं है, इसमें एक स्केल है, पॉइंटर है, पॉइंटर से अटैच यहाँ पर आपको मिलेगा, दो क्वाइल लगी हुई है, एक फिक्स्ड पार्ट है, दूसरा मूविंग पार्ट है। तो इसमें फिक्स पार्ट कौन सा है और मूविंग पार्ट कौन सा है इसके बारे में देखेंगे। इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन यदि देखा जाए दोस्तों, तो ये ए और बी, तो इसमें इसका ए ऊपर और नीचे अपर केस में और लोअर केस में दिया हुआ है। तो ए स्ट्रिप अर्थात कि ये जो पट्टी होगी जिसमें ए लिखा हुआ है, ये दोनों फिक्स, ये दोनों मूविंग मिलेंगे क्वाइल ए। तो यहाँ पर ये जो क्वाइल ए है, क्वाइल ए आपस में कनेक्शन रहेगा दोनों का। क्वाइल बी आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये क्वाइल बी है और ये क्वाइल बी भी दोनों आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर इन दोनों क्वाइल को यदि देखा जाए तो क्वाइल बी आपस में ये दोनों क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे। क्वाइल बी को फिक्स रखा जाएगा, क्वाइल बी को फिक्स रखा जाएगा दोस्तों। मतलब ये जो क्वाइल बी है जिसको मैंने डिजाइन क्रिएट कर दिया है, डिजाइन बना दिया है, ये फिक्स रहेगा इसमें, और क्वाइल जो ए है ये मूवेबल रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हल्का मूवेबल होगा, इन दोनों के बीच में यहाँ पर मूविंग पार्ट अर्थात की पॉइंटर होगा, और इसमें एक बैलेंसिंग लोड के लिए लगाया गया है, साइड में दो रेजिस्टेंस लगाया गया दोस्तों, इसके आर बी और आर ए दो रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गया है क्वाइल ए से। और क्वाइल ए से इसके अंतिम सिरे से और प्रारंभिक सिरे को देखें तो इन दोनों के बीच में फिर एक एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गया है, एक रेजिस्टेंस है, दूसरा इंडक्टेंस है और तीसरा भी इंडक्टेंस है, इस तरीके से कनेक्ट किया गया है दोस्तों। अब इसका यदि कंस्ट्रक्शन देखें हम, तो यहाँ पर एसी सप्लाई देने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जब आप एसी सप्लाई देंगे इसमें तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो क्वाइल ए के कारण और क्वाइल बी के कारण चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने के कारण दोस्तों इसके बीच में रखा हुआ है ये क्या
चुंबकीय सुई, तो इसके बीच में पॉइंटर रखा हुआ है, ये पॉइंटर यहाँ पर इसके बीच में एंगल बनेगा अप्रॉक्स 45 डिग्री का थीटा एंगल बनेगा, और ये जो जिस एक्सिस में रखा हुआ है क्वाइल एक्सिस, आप क्वाइल बी का ये एक्सिस है दोस्तों, इन दोनों के बीच में रखा हुआ है, तो ये जब रोटेट करेगा चुंबकीय क्षेत्र में तो ये पॉइंटर मूवमेंट करने लगेगा, तो पॉइंटर जितना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा उस तरीके से ये पॉइंट सुई यहाँ पर अब स्केल के में डिफ्लेक्शन शो करेगी और रीडिंग यहाँ पर दिखाएगा। इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन हमने देखा दोस्तों, एसी सप्लाई देने पर तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाता है तो रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो मान है वो बढ़ जाता है, और